नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत में कोरोना वायरस से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश से लेकर विदेश तक जो भी भारत के इस हालात के बारे में सुन रहा है उसका दिल टूट जा रहा है, क्योंकि इतनी बुरी हालत तो कोरोना की पहली लहर में भी भारत की नहीं थी। आज तो हालात ये हो गए हैं कि ना तो अस्पतालों में जगह है और ना ही शमशान की जमीन ठंडी हो पा रही। लगातार लाशें जल रही, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें भी टूटती जा रही। अपने देश की इतनी बुरी हालत देखकर अमेरिका में रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी दिल टूट जा रहा। अभी हाल ही में गूगल के सीईओ ने जहां 135 करोड़ की मदद करने का ऐलान किया था, तो वहीं अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय मूल के सत्या नडेला ने भी भारत की मदद का ऐलान किया, जो बता रहा है कि अमेरिका के नागरिक होने के बावजूद सत्या नडेला का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़क रहा। कोरोना की वजह से भारत में हर रोज तेजी से बिगड़ रहे हालात के बीच माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुट गई। माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवाज, संसाधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जारी रखेगा, साथ ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद में मदद करेगा। सत्या नडेला ने इस मुश्किल समय में भारत की मदद करने का ऐलान कर ये बता दिया कि पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहती। कुछ इसी तरह से सत्या नडेला भले ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो, लेकिन आज जब भारत पर कोरोना जैसी खतरनाक महामारी की मार पड़ी तो वो मदद के लिए सबसे आगे आए। अमेरिका में रहने वाले सत्या नडेला के बारे में आपको बता दें, साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी संभालने वाले सत्या नडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ। उन्होंने यहीं से पढ़ाई भी की। ऐसे भारतीय को जब माइक्रोसॉफ्ट की कमान मिली तो उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स फिर से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए थे। ऐसे शख्स ने भारत की मुश्किल समय में मदद करके ये बता दिया कि वो भले ही अमेरिकी नागरिक हो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सत्या नडेला की तरह ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी 135 करोड़ की मदद का ऐलान कर चुके हैं, जबकि भारत की मदद के लिए अमेरिका, फ्रांस और कनाडा समेत कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। न्यूयॉर्क से भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए, वहीं कनाडा भारत की मदद करने के लिए तैयार। कनाडा भारतीय अधिकारियों तक ये निर्धारित करने के लिए पहुंचा है कि जरूरत के इस समय में हम किस तरह भारत की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड भारत को कोविड से लड़ने वाले मेडिकल उपकरण भेज रहा, तो वहीं सऊदी अरब ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा। बहरहाल जिस तरह से सत्या नडेला ने भारत की मदद की उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।